महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया। इस देश में लगभग 16 या 17 राज्यपालों के ट्रांसफर्स या इस्तीफे मंजूर हुए हैं, उसमें से एक महाराष्ट्र के राज्यपाल। लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया कि महाराष्ट्र की जनता राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके वहाँ यहाँ से बदलने की मांग कर रही है, इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, उनके बारे में जो वक्तव्य किया, महाराष्ट्र के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने वक्तव्य किया, उससे यहाँ की जनता नाराज है। अगर राज्य की जनता की आवाज़ सुन लेते तो तुरंत उनका तबादला होता, लेकिन नहीं किया। आखिरी मिनट तक राज्यपाल का समर्थन केंद्र सरकार करती रही, ये महाराष्ट्र कभी भूलेगा नहीं। और आज सामुदायिक जो तबादले हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल का तबादला हुआ है। वहीं आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर राज्यपाल के इस्तीफे की मंजूरी पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत, महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा आखिरकार मंजूर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हमारे संविधान, विधानसभा और लोकतांत्रिक आदर्शों का लगातार अपमान करने वाले को राज्यपाल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय कोश्यारी साहब ने पहले से ही कहा था कि मुझे अभी यहाँ से मुक्त करिए, और वो उनकी विनती पेंडिंग थी राष्ट्रपति जी के पास में, तो माननीय राष्ट्रपति महोदय ने कल प्रोसीजर पूरे करके कल उसको एक्सेप्ट किया है, और नए राज्यपाल अभी आ गए हैं, तो हम उनका नए राज्यपाल का स्वागत करते हैं। और इन्होंने अपने समय में यहाँ पर बहुत एक्टिविटी रोल किया, जनता के राज्यपाल बन के रहे, लोगों के साथ में रहे, राज्यपाल के दरवाजे उन्होंने सबके लिए खोल दिए। उनके ऊपर जो कुछ भी टारगेट किया गया था वो व्यक्ति के ऊपर कम था, उस संस्था के ऊपर टारगेट था, जो कि विरोधी पक्ष के लोग समझते हैं कि उनका काम है, जो कि सच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को इन बातों के लिए बख्शना चाहिए, फिर भी ये किया गया। राज्यपाल का पद एक सॉफ्ट टारगेट होता है, उनके ऊपर कुछ भी कहा जा सकता है, उनकी वापस जवाब देने की लिमिटेशन होती है, और इसके लिए जो बीत गया वो कल अभी उसको छोड़ देते हैं, और वो नहीं होता तो ज्यादा अच्छा रहता था। राज्यपाल का पद से गरिमा का पद होता है, लेकिन वो कहते थे राज्यपाल जो बीजेपी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते कि राज्यपाल भी बीजेपी का काम। देखिए, ये कहना करना बहुत आसान है, कई कांग्रेस के बड़े नेता भी राज्यपाल रहे हैं, तो हमने तो किसी ने नहीं कहा कि वो कांग्रेस के, जब कांग्रेस के थे तब थे, बाद में राज्यपाल बन गए तो राज्यपाल महोदय हैं, वो इनके साथ भी था, पर ठीक है, सबको अपना अपना तरीका है बात करने का। बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके थे और सेवानिवृत्त जीवन जीना चाहते थे। राज्यपाल भवन में आयोजित एक भवन में कोश्यारी ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा था कि वो अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य आराम की गतिविधियों में बिताना चाहते हैं। महाराष्ट्र राजभवन की तरफ से इसे लेकर बाकायदा बयान भी जारी किया गया था, जिसमें कोश्यारी ने पीएम मोदी से सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही महाराष्ट्र का नया गवर्नर कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हो गई थी। खैर, अब रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।